कुछ माह पहले कंपेनियन फ्रूट मर्चेंट में कार्य करने वाले कर्मचारी युवक ने कुसमुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोरबा व कुसमुंडा में फल का व्यवसाय करने वाले प्रवेश मिश्रा व शशिकांत मिश्रा ने उनकी कंपनी से लाखों रुपए का उधार लेन देन किया था। कई माह बीत जाने के पश्चात जब राशि नहीं मिला तो राशि मांगने उनके फल की दुकान पर गए, जहां उन्हें पैसे नहीं देने व जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात से आहत कर्मचारी ने दोनों फल व्यवसायी के खिलाफ कुसमुंडा थाने में शिकायत की, जिस पर कुसमुंडा पुलिस ने अपराध कायम करते हुए अपराधी प्रवेश मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। ये एक मामला है, ये प्रवेश मिश्रा है, कोरबा का रहने वाला है। ये दुर्ग भिलाई से व्यापारी से फल प्रूफ लाते थे, सेब फल और अनार के जो फल है उसको लाते थे, और उससे कम से कम 12 लाख रुपए का उधारी करके रखा हुआ है और उसको पैसा नहीं दिया है, जिस कारण से उसके विरुद्ध मामला 420 का कायम किया गया था। आज उसको विरुद्ध पकड़ लिया गया है और उसके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।